सर। महावीर। मेरी आवाज आ रही है ना? यस। सही में? उनकी माता का नाम क्या था? जैनिज्म में उनकी माता का नाम क्या था? हेलो, त्रिशला। त्रिशला। उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? भूल गए क्या बाकी लोग? ठीक है, सिद्धार्थ, त्रिशला। इसके बाद फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी जैनिज्म की? जैनिज्म की फर्स्ट काउंसिल किधर हुई थी? एनीवन? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और सेकंड काउंसिल? मथुरा। वैशाली। वैशाली नहीं रे बाबा, कौन वैशाली बोल रहा? ठीक है, ये जैन धर्म कौन से दो पार्ट में डिवाइड हुआ? पीतांबर, पीतांबर, श्वेतांबर। कौन से दो पार्ट में? पीतांबर, श्वेतांबर। पीतांबर नो, इट्स दिगंबर। दिगंबर और दिगंबर। दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर क्या करते थे? विदाउट क्लोथ। और व्हाइट क्लोथ में कौन थे? श्वेतांबर। गौतम बुद्ध की फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? नो वन, एनी वन? कब हुई थी? नोट्स मिला है ना सभी को? नोट्स मिला है ना? फर्स्ट लेक्चर आज किसका किसका है? फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर किसका है? सबका लेक्चर सेकंड सेकंड है क्या कि फर्स्ट लेक्चर है? ओके ओके, ठीक है। लेट अस सी, जैनिज्म के बारे मतलब थोड़ा सा स्टडी करके आया करो, तुम स्टडी किया करो। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? ये हमारा हो चुका था, ठीक है, ये खत्म हो चुका था हमारा शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ लेट वी स्टार्ट फ्रॉम अलेक्जेंडर इन्वेंशन। अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से बात करेंगे। अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? तो बात करते हैं, अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर ने कहाँ पे आक्रमण किया था? इंडिया। इंडिया पे आक्रमण किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फिलिप का पुत्र था। फिलिप क्या था? फिलिप वॉज अ किंग ऑफ मैसेडोनिया। ओलंपियस। मैसेडोनिया का शासक था। जैसे धीरू भाई अंबानी ने बोला था, कर लो दुनिया मिट्टी में, ये भी पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था अलेक्जेंडर। तो 326 बीसी से बोला जाता है कि क्योंकि इसका अटैक इंडिया पे हुआ था 326 बीसी में। और ये सन था फिलिप का, फिलिप का बेटा था। और फिलिप वॉज अ किंग ऑफ मैसेडोनिया। फिलिप कहाँ का किंग था? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का फिलिप क्या था? किंग था। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया 326 बीसी। अलेक्जेंडर ने इंडिया का आक्रमण किया था 326 बीसी में। कब आक्रमण किया था? 326 बीसी, ठीक है। और अलेक्जेंडर ने जो अटैक किया इंडिया पे, वो बैटल था हाइडेस पीच। कौन सा बैटल था? हाइडेस पीच। हाइडेस पीच मतलब बैटल ऑफ झेलम। हाइडेस पीच मतलब क्या होता है? बैटल ऑफ झेलम। बैटल ऑफ झेलम मतलब झेलम नदी के किनारे ये बैटल हुआ था, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं, ठीक है।
किसके बीच हुआ था? बिटवीन पंजाब किंग कोरस एंड अलेक्जेंडर। प्लीज आप किसकी माइक आ रही आवाज? कुणाल कुणाल माइक बंद करो, कुणाल माइक बंद करो। ठीक है, माइक की बैकग्राउंड आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिटवीन पंजाब किंग कोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच हुआ था ये बैटल, हुआ था बैटल ऑफ झेलम। ठीक है, एक्चुअली उस समय क्या था, जब सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया उस समय कंटेम्प्ररी किंग कौन थे? तो कंटेम्प्ररी किंग वॉज धनानंद। कंटेम्प्ररी किंग धनानंद थे। कंटेम्प्ररी किंग कौन था? धनानंद। ठीक है, कंटेम्प्ररी किंग धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद कौटिल्य थे जिस समय इसने अटैक किया था। अलेक्जेंडर ने बेसिकली क्या किया था, अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया पे पहली बार, तो वो पंजाब साइड में अटैक किया था, पंजाब के राजा का सामना हुआ था। और उस समय इसने जब अटैक किया था तो क्या हुआ था, पंजाब के राजा ने अपना साहस दिखाया था और उस साहस के वजह से ये बहुत खुश हो गया कि सिकंदर ने बहुत खुश हुआ और उसके बाद उसने उन्हें माफ कर दिया, पूरस को माफ कर दिया। पूरस को बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, और वो कम से कम 19 मंथ तक इंडिया में रहा था झेलम के युद्ध के बाद। ठीक है, बस उसकी सेना यही सोच रही थी कि अभी आगे जाया कैसे जाए। तो क्या होता है बेसिकली कि एक तो इसकी सेना थक चुकी थी इंडिया में आते आते और ये हर गांव को लूट रहा था, तो इसकी सेना जब थक गई थी तो अलेक्जेंडर ने बोला चलो आगे बढ़ते। लेकिन इसकी आर्मी ने कुछ स्टेप लिया, वो स्टेप ये था कि नहीं अब आगे नहीं जाया जाएगा। क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा जो उनको टेंशन था वो व्यास रिवर को क्रॉस करना था कि नहीं अब व्यास रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे। बिकॉज वाई, अब जाहिर सी बात है इतने दिन के बाद वो आ रहे हैं तो वो सो टायर्ड होंगे, बिकॉज दे वर टायर्ड एंड अदर साइड नंद आर्मी स्टैंड, मतलब और अलग साइड जो थी, अदर साइड मतलब व्यास नदी के दूसरे साइड जो थी ये नंद डायनेस्टी की सेना थी। तो अलेक्जेंडर सोचा कि अब कैसे अटैक करे, तो बोले कि कोई चांस नहीं। तो उसके बाद वो रिटर्न गया, अलेक्जेंडर जब रिटर्न गया तो बेबीलोन में वो मर गया। जाते जाते जब रिटर्न हुआ तो रिटर्न होते वक्त वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई जब वो रिटर्न हुआ। बेबीलोन ये जो प्लेस है ये एट प्रेजेंट इराक को बोला जाता है। ठीक है, तो इराक को बोला जाता है, बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई। उसके बाद हिज टीचर ने, उनके जो टीचर्स थे उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरिस्टोटल बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु इनके टीचर्स का नाम है और ये ग्रीक फिलोसोफर है। क्या है? ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, समझा सबको। अब उसके बाद ये आता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। तो ये जो अरिस्टोटल है वो अलग है और जो बायोलॉजी और जूलॉजी के जो फादर है वो अलग है। समझ में आया? बायोलॉजी के फादर जो अरिस्टोटल है वो अलग है, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। कौन थे ये? ग्रीक फिलोसोफर। आई बात समझ में? और जो अरिस्टोटल, मतलब जब नाम ही आ गया, नाम सेम है, नो डाउट नाम सेम है, बायोलॉजी के फादर कौन है? कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। ठीक है, और दूसरी बात है, मतलब जूलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। आई बात समझ में? बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो ये अरिस्टोटल है ये तो बहुत साल पहले की बात है ना, ये बिफोर क्रिस्ट से पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट अगर आप बोलो तो उससे पहले की बात है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से इस पे नजर डाल लेते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेंशन इन इंडिया 326 BC में उसने भारत पर आक्रमण किया। वो फिलिप का बेटा था, फिलिप वॉज अ किंग ऑफ मैसेडोनिया, फिलिप मैसेडोनिया का राजा था।
अलेक्जेंडर इन्वेंटेड इन इंडिया 326 BC, और बैटल ऑफ हाइडेस बीच का उसने बैटल लड़ा था जिसे बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है, बिटवीन पंजाब किंग एंड पोरस जो राजा है अलेक्जेंडर उसके बीच हुआ था। अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस द व्यास रिवर, अलेक्जेंडर की आर्मी ने क्या बोला, ठीक है हम व्यास रिवर क्रॉस नहीं करेंगे बिकॉज दे वर टायर्ड एंड अदर साइड नंद आर्मी स्टैंड, और दूसरी साइड नंद की सेना खड़ी हुई थी। ही डाय, मतलब उसमें चाणक्य के भी कुछ रोल थे, चाणक्य ने उनके गुप्तचर को ये बोल के भेज दिया था कि यहाँ पे बहुत विशाल सेना है जिसका सामना ये कर नहीं पाएगा, क्या बोलते हैं अलेक्जेंडर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी आर्मी को उसने बहुत बड़ा चढ़ाकर चाणक्य ने उसको रिप्रेजेंट किया था। चाणक्य इसलिए रिप्रेजेंट किया था, चाणक्य नहीं चाहता था कि अगर अगर सिकंदर ने अटैक किया तो ये सारा जो साम्राज्य वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिलाने वाला था वो अल्टीमेटली अलेक्जेंडर के पास चला जाएगा। तो अलेक्जेंडर के मन में वहम भरा गया कि ताकि ये रिवर को क्रॉस करके उस साइड ना आए, समझा है सबको? यस सर। ठीक है। He died in 323 BC। ध्यान देना बेबीलोन में इसकी मौत थी, इराक के साइड। His teacher's name अरिस्टोटल, उनके टीचर का नाम था अरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसोफर था। इज दिस क्लियर? यस सर। लिखना है सभी को? लिखना है? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इसको लेक्चर की तरह ही समझो, इसको लिखना स्टार्ट करो फास्ट। Done, sir. Done, sir.
डन सर ठीक है हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की किसकी बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी थे ठीक है मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे और मौर्य डायनेस्टी जो है ओल्डेस्ट डायनेस्टी है इसे आप एम्पायर बोलो या डायनेस्टी बोलो एक ही बात है ठीक है मतलब ये वंश है एक एक प्रकार की मौर्य ने एक वंश भी होती है ठीक है तो मौर्य डायनेस्टी सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है ये आपकी उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है उनकी जो शादी हुई थी तो ये जो एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था आपका 322 बीसी में स्टार्ट हुआ था ठीक है और फर्स्ट रूलर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य डायनेस्टी के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी शादी हेलेना से हुई थी किससे हुई थी हेलेना से हेलेना कौन थी किसी को पता है हेलेना कौन थी सेल्यूकस निकेटर की डॉटर वेरी गुड सेल्यूकस निकेटर की ये डॉटर थी और सेल्यूकस निकेटर कौन था जर्नल ऑफ अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर का वो जर्नल था मतलब सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर की बीवी थी हेलेना तो चंद्रगुप्त मौर्य ये चाहता था कि मैं उससे शादी करके अपने जो साम्राज्य को है वो बढ़ाऊं और फिर मुझे ऐसा डर भी न रहे लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया था सेल्यूकस निकेटर को किसको हराया था 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था ठीक है तो ये सारे पॉइंट मैं बताऊंगा पहले स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे हम तो उसके बाद स्टेप ये बोलता है कि पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मगध मगध का कैपिटल क्या था पाटलिपुत्र तो ये जो जिस साम्राज्य पे राज कर रहे थे वो मगध था कौन सा था साम्राज्य मगध मगध ठीक है आई बात समझ में ये आपका 6 पॉइंट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस दीज आर दी 6 पॉइंट्स फास्ट लिखना
हो गया सबका, ईच एंड एवरीवन? यस सर। कंप्लीटेड? ठीक है, अब उसके बाद आपको अगर 7 पॉइंट बताऊं तो 7 पॉइंट ये होता है कि जो चंद्रगुप्त थे आपके, कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था, किसे डिफीट किया था बताओ? किसे डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? सेलुकस निकोटर को। जोर से बोलो, आवाज मेरी आवाज जा रही तुम लोग तक? हाँ सर, आ रही है, सबको आ रही है। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किसको किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकोटर। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो हेलो, यस सर, हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ सर, आ रही है। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ हाँ, लेकिन एक मिनट हम मुझे कनेक्ट करने दो। हेलो हेलो हेलो, चलो ऐसे ही आवाज आ रही है मेरी, ऐसे ही सुन लो, ऐसे ही आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है। सभी को आ रही है? हाँ सर। आज आवाज क्यों कम है मेरी? ठीक है, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड टू धनानंद। किसको डिफीट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने? धनानंद। धनानंद कौन था? नंद डायनेस्टी का लास्ट किंग था। कौन था? नंद डायनेस्टी का लास्ट किंग था। ठीक है, तो धनानंद को कौन डिफीट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसे डिफीट किया तो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने किया था? चाणक्य ने। किसने किया था? चाणक्य। चाणक्य इज आल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। चाणक्य को क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता है। ठीक है, मौर्यन का जो मेन लैंग्वेज था ये मगधी एंड प्राकृतिक था। क्या था? मगधी एंड प्राकृतिक। ठीक है, मगधी एंड प्राकृतिक इनका लैंग्वेज था। किसका लैंग्वेज था? मौर्यन का। तक्षशिला वॉज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मौर्यन टाइम। और मौर्यन टाइम का तक्षशिला क्या था? हेलो हेलो, एजुकेशन सेंटर। तक्षशिला क्या था? एजुकेशन सेंटर था। तक्षशिला क्या था इनका? एजुकेशन सेंटर। किसका था मेन एजुकेशन सेंटर? मौर्यन। मौर्यन का क्या था? एजुकेशन सेंटर था। ठीक है, ड्यूरिंग मौर्यन टाइम।
आई बात समझ में? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट किया था? धनानंद, who had last king of the Nanda dynasty. Nanda dynasty के जो last king थे धनानंद को इन्होंने defeat किया था. मौर्य उनका main language क्या था? मगधी प्राकृतिक language था. तक्षशिला was the main center of education. Education का main center क्या था? तक्षशिला. ठीक है, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, all of you, मुझे ये बताइए कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक कब किया? 326 BC. कहाँ पे अटैक किया उसने? झेलम रिवर के पास. मतलब वो स्टेट का नाम क्या था? पंजाब. पंजाब के राजा का क्या नाम था? पोरस. पोरस, पोरस. ठीक है, पोरस को उसने क्यों नहीं मारा? वो क्योंकि वो बहुत वीरता से लड़े थे वो. हाँ, वेरी गुड. वो बहुत वीरता से लड़ा और उसने साहस दिखाया, इसलिए उसने क्या कर दिया? उसको पार्डन दे दिया. पार्डन मतलब क्षमादान, उसको क्षमादान दे दिया. ठीक है, सिकंदर की सेना नंद डायनेस्टी पे अटैक क्यों नहीं की? क्योंकि व्यास नदी में बहुत बाढ़ आई थी और दूसरे साइड नंद डायनेस्टी की जितनी सेना थी वो खड़ी थी. और क्योंकि व्यास रिवर को लोग पार नहीं कर सकते थे, और दूसरी चीज उनको ये बोला गया था कि वहां मौर्य और धनानंद की सेना एक साथ है. आई बात समझ में? यस. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मौर्यन. मौर्यन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, सबको समझा? एग्रीकल्चर क्या था? अब देखो, मेगास्थनीज क्या था? एक ग्रीक एम्बेसेडर था. क्या था? ग्रीक एम्बेसेडर था. कौन था? मेगास्थनीज. ग्रीक एम्बेसेडर मतलब ये जो एम्बेसेडर था ये किसका था? सेलुकस निकेटर का था. किसका था? सेलुकस निकेटर का था. विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जो ग्रीक एम्बेसेडर आया था उसका नाम क्या था. तो उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसेडर था. ठीक है, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. कोनो डाउट? देखो, मेरे जो नोट्स एकदम स्वीट एंड शॉर्ट में है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है. लूसेंट वगैरह कहीं से भी नहीं. आप लोग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में स्टडी करो. ठीक है, ये जो आपकी बुक है ये इंडिया हो गई है, जबकि ये इंडिका थी. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बुक का नाम क्या है? इंडिका. इंडिका नामक बुक किसने लिखा है? मेगास्थनीज. किसने लिखा है? मेगास्थनीज. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कोनो डाउट? ना ही ना. ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? सबसे ओल्डेस्ट मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी, वेरी गुड. मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का फाउंडिंग कब किया था? 322 BC. ठीक है, मौर्यन की मेन लैंग्वेज क्या थी? मगधी. मगधी प्राकृतिक लैंग्वेज थी. तक्षशिला क्या बना? मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन सेंटर. किसके टाइम बना? ड्यूरिंग मौर्यन टाइम बना. मौर्यन. चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्यन टाइम. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मौर्यन. मौर्य. मेगास्थनीज क्या था? ग्रीक एम्बेसेडर. किसके टाइम विजिट किया था इंडिया में? चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्य के टाइम. इंडिका नामक बुक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज. ठीक है, इंडिका वॉज रिटन इन अ लैंग्वेज. ठीक है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था. इंडिका कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था ये बताइए? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. ठीक है, और जबकि मौर्यन की लैंग्वेज क्या थी? मगधी. मगधी प्राकृतिक. मगधी प्राकृतिक. मगधी प्राकृत. ठीक है, मगधी प्राकृत ये लैंग्वेज था. मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसेडर ऑफ. किसका राजदूत था? एम्बेसेडर मतलब क्या होता है? राजदूत. किसका राजदूत था ये? सेलुकस निकेटर. सेलुकस निकेटर. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ये किसका था? सेलुकस निकेटर का था. क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर. नो सर. किसी को? ठीक है, देखो ये क्या है ना, आपको ये जो चीज है ना अच्छे से ध्यान रखनी, और ये आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये अच्छे से इन 305 BC, B लिख दिए हैं, ये BC है, सॉरी,
इट्स अ बीसी सेलुकस निकेटर. सेलुकस निकेटर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था. ठीक है, देखो हराने का रीजन क्या था ना, एक सिंपल सा फंडा था कि ना जब इसने धनानंद को हराया था तो इसने अपनी आधे से ज्यादा सेना खुद के नाम कर ली थी. किसने कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने. जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को उसका क्या मिला? फायदा मिला. और चंद्रगुप्त ने वो फाइट क्या कर ली? जीत ली. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. कोई डाउट? नहीं सर. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एडॉप्टेड जैनिज्म. चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों. तो ये जो चीज है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था, जैनिज्म अडॉप्ट किया था. क्या अडॉप्ट किया था? जैनिज्म. ठीक है, तो इन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट किया था. और जैनिज्म जो अडॉप्ट किया था वो किस गुरु की बातों में आके अडॉप्ट किया था? विद द इफेक्ट ऑफ भद्रबाहु. किसकी बाहों में आके अडॉप्ट किया था? सॉरी, बाहों में. किसकी बातों में? सॉरी, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग. ठीक है, किसकी बातों में आके? भद्रबाहु कौन थे? जैन गुरु थे. ठीक है, और उन्होंने अपने अंतिम दिन मतलब लास्ट दिन कहाँ बिताए? श्रवण बेलगोला में. कहाँ पे बिताए? श्रवण बेलगोला में. किसने बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताया. चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. लोग खुश हो जाते हैं ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है. कौटिल्य, चाणक्य एज वेल एज विष्णुगुप्त, क्या नाम था उनके गुरु का? टीचर नेम क्या था? कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कोनो डाउट? नहीं. कोनो डाउट? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को डिफीट करने वाले कौन थे? धनानंद, हु हैड लास्ट किंग ऑफ द नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? धनानंद. ठीक है, मौर्यन का मेन लैंग्वेज क्या था? मगधी प्राकृत. कौन सा लैंग्वेज था? कौन सा लैंग्वेज था? मगधी प्राकृतिक. तक्षशिला वॉज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन. ठीक है, आप लोग लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, आगे बढ़ते. हो गया? हो गया? यस सर. हो गया? आगे? यस सर. हो गया? कहाँ से लिखा था? लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज. हाँ सर, यहाँ से एग्रीकल्चर से.
किसी ने मुझे ये नहीं बोला एम्बेसेडर की स्पेलिंग? नो वन टेल मी. हो गया? हो गया? यस सर. इंडिका वॉज रिटन इन अ ग्रीक वर्ड. यहां से लिखो. हो गया लिख के? यस सर. चलो आगे. सर ऊपर का नहीं हुआ है सर. स्क्रॉल ये वाला पार्ट. हाँ यस सर. यस डन सर. अच्छा ये नोट्स आप लोगों को जम रहा है? हेलो, नोट्स जम रहा है आप लोगों को? यस सर. अभी हाँ मुझे ना आपका टेस्ट देना है, तो मैं टेस्ट के क्वेश्चन भेज दूं, आप लोग कर लोगे? तो सेंड कहाँ करेंगे हम लोग? एक्चुअली मैं मैम को दे दूंगा सर. वो लिंक को लिंक से होता तो डायरेक्टली हम लोग सबमिट कर देते तो आपके पास चला जाता फिर. अच्छा. नहीं लिंक मतलब कैसा रहेगा? मैं मैम को भेज दूंगा, मैम आप लोगों का टेस्ट ले लेंगी. तो मैं मैम को भेज, मतलब पेपर रेडी है, मतलब बुद्धिज्म है उसमें और वैदिक पीरियड है और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में आया थे ना, तो वो सारे क्वेश्चन है तो मैं भेज देता हूँ. ठीक है, बायलिंगुअल है, दो लैंग्वेज में. ठीक है.
तो मैं जस्ट आपको, आप लोग रेडी रहना करके, तो मैं टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है? 50 क्वेश्चंस रेडी है, ओके? बुद्धिज्म तक है, तो ये जैनिज्म के भी कुछ क्वेश्चंस है शायद, फिर उसके बाद के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट संडे दूंगा, ठीक है? तो कब होगा? मतलब मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार याद दिला देना तो मैं दे दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, वो टेस्ट हम लोग क्लास में देंगे ना? हाँ, मतलब जैसा भी आप लोगों को देना, ठीक है? मतलब मेरे पास क्वेश्चन है तो आप ले लो, ठीक है? तो मैं मतलब फोकस का ही टेस्ट है अपने, तो आप लोग को देना है सबको। ओके सर, मैं सिर्फ ये बोलूंगा रेडी रहो पढ़ के, ठीक है? नेक्स्ट हो गया। यहां से देखो, विष्णु गुप्त ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो लिखा था वो किससे रिलेटेड था? पॉलिटिकल से। किससे रिलेटेड था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड था? पॉलिटिकल से, ठीक है? मैरिज विद हेलेना, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है? वन मिनट, ठीक है? हेलेना नाम था। और फिर ये सन है कि सम है, ये बताओ। सन है। सन, सन, सन का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार। क्या नाम था उनके बेटे का? बिंदुसार, ठीक है? अब उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिका में ने एक बात बोली गई थी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में आया, बहुत ध्यान से सुनना। द डिविजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इंटू सेवन क्लास, सात क्लास में मौर्यन सोसाइटी डिवाइड थी। कितने क्लास में? सात। सात क्लास में ये डिवाइड था, ठीक है? ये बात किस में बोला गया है? इंडिका में। किस में बोला गया है? इंडिका में, जो मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज किसका एम्बेसेडर था? ये सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर का, वेरी गुड। किसका था? सेलुकस निकेटर का, ठीक है? बिंदुसारा कौन थे ये बताइए? बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। और किंग थे किसके? सेकंड किंग किसके थे? मौर्य डायनेस्टी के। तो मौर्य डायनेस्टी के दूसरे राजा थे, ठीक है? इनको लिख के कंप्लीट करो पहले। सर यस यस सर, हेलेना जो थी वो सेलुकस निकेटर की बेटी थी। हेलेना, हाँ। कौन बोला तुमने? आनंद। कौन बताया सर? ये मैंने पढ़ा था।
हाँ कि सही उसने जीतने के बाद फिर राजा ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी चंद्रकूट मौर्य और से, जानते हो ना उसके लिए उसने दहेज क्या क्या दिया था? अपना राज्य ही पूरा दे दिया था ना। नहीं, अपने बहुत सारे सैनिक, अपने घुड़सवार, हाँ कैवेलरी, पैदल चलने वाली सैनिक, बहुत सारी चीजें दे दिया था। तो जी ये जो दहेज प्रथा है ना, वहीं से स्टार्ट हो गई थी। यस समझ में आया? और ऐसा सर। नहीं, कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी तरफ से दिया था। ठीक है, अच्छा सर, क्लियर? आगे बढ़ो। ठीक यस है, बिंदु सारा को क्या बोला जाता था? बिंदु सारा को क्या बोला जाता था ये बताइए। बिंदु सारा को बोला जाता था अमित्र घात। क्या बोला जाता था? अमित्रघात, क्या बोला जाता था बिंदु सारा को? अमित्र घात। क्या बोला जाता था? अमित्र घात बोला जाता था। किसको बोला जाता था? बिंदु सारा को। तो बिंदु सारा को क्या बोला जाता था? अमित्र घात, मतलब स्लेयर ऑफ फोर्स, मतलब किलर ऑफ एनिमी, मतलब शत्रु का विनाशक। क्या बोला जाता था इसको? शत्रु का विनाशक। क्या बोला जाता था? शत्रु विनाशक। हाँ, शत्रु का विनाश करने वाला। तो ये बिंदु सारक के बारे में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो बिंदु सारक क्या था। इसको ये जो टाइटल मिला था बिंदु सारा, ये ज अल्सो नोन एज अमित्र घास स्लेयर ऑफ फोर्स। सर चलो आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट जो पार्ट है अशोका पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अशोक को बिंदुसार का बेटा भी बोला जाता है, अशोक बिंदुसार के बेटे हैं ये बोला जाता है। अशोका मीन्स विदाउट सॉरो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोका का मतलब होता क्या है। शोक मतलब होता है दुख, शोक मतलब होता है दुख, अशोक मतलब होता है बिना दुख का। तो शोक मतलब होता है दुखी और अशोक मतलब होता है बिना दुख का। He killed his 99 brother. ऐसा मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला गया है, बुद्धिस्ट में बोला गया है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा था और फिर जाके वो क्या बना था? राजा बना था। इसके पहले वो उज्जैन का गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। आई बात समझ में? यस सर। अशोका इज अल्सो नोन एज देव नाम प्रिया या प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है, प्रियदर्शी का मतलब कि मतलब प्रियदर्शी मतलब वो भगवान से रिलेटेड कुछ तो इसे टाइटल मिला था अशोका को। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है कि देव नाम प्रिय किसे बोला जाता है। ठीक है, तो देव नाम प्रिय किसे बोला जाता है? अशोका को। ठीक है, दूसरा ही अल्सो नोन एज अशोक वर्धन, इसको दूसरा नाम दिया गया है अशोक वर्धन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है? अशोक वर्धन। कहाँ पे बोला गया है? इन पुराण, पुराण में इसको बोला गया है अशोक वर्धन। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अशोका फाउट कलिंग वॉर। अशोका ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? कलिंग वॉर की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अशोका ने कौन सी फाइट लड़ी थी? कलिंग वॉर। ठीक है, राजा खारवेल, इनका नाम था राजा खारवेल। ठीक है, तो राजा खारवेल के सामने ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये कलिंग जो प्लेस है ओडिशा को,
ओडिशा में आता है एट प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो कलिंग वार है ये किस में मेंशन था, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कलिंग वार जो है ये आपका मेंशन होता है रॉक एडिक्ट 13, मतलब रॉक एडिक्ट 13 में ये मेंशन है कि कलिंग वार हुआ था। और आफ्टर कलिंग वार जीतने के बाद उसने अपनी पॉलिसी चेंज की। ठीक है, उसने अपनी पॉलिसी क्या की थी, चेंज की थी अशोका ने। राइट डाउन डांसर हो गया, हो गया। Yes, sir. हो गया। हो गया, हो गया। यस, हो गया। लिख के यस सर।
देखो कलिंग वार के बाद में क्या हुआ, कलिंग वार के बाद में ही चेंज हिज पॉलिसी, उसने अपनी जो बेरी घोष की पॉलिसी थी वो चेंज करके धम घोष कर ली। बेरी घोष मतलब होता क्या था, वो मतलब वो ज्यादा करके वो क्या करता था, मतलब ये वो थोड़ा सा युद्ध जीत के ये करना चाहता था कि अपनी अपना नाम करना चाहता था कि मैं हर जगह विजय घोष करूं। लेकिन उसने बोला नहीं, ये जब उसने कलिंग वार में देखा ना कि लाखों लोग मारे गए थे, तो अशोक को थोड़ा सा दया आई। तो अशोक ने क्या किया, अपना जो मोटिव था उसने चेंज किया, बेरी घोष से करके उसने धम घोष कर दिया। उसने बोला नहीं, अब मैं धर्म के लिए कुछ करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, अशोक ने क्या किया, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, ये पता है किसी को, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, कोई बता सकता है? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया। वेरी गुड, किसकी बातों में आके अपनाया था, किसकी बातों में? नाम नहीं पता सर। नहीं, अशोक ने जो बुद्धिज्म अपनाया था वो उपगुप्त की बातों में आके अपनाया था। किसकी बातों में? उपगुप्त। ठीक है, तो उपगुप्त की वाज, उपगुप्त कौन था, एक बुद्धिस्ट मोंक थे, तो उनकी बातों में आके अशोक ने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म। तो अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म, तो अशोक ने क्या अडॉप्ट किया था, बुद्धिज्म, क्या अडॉप्ट किया था, बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, किसके इद्दा जो उसका इफेक्ट था, विद द इफेक्ट ऑफ उपगुप्त की बातों में आके उसने बुद्धिज्म को अपनाया था। किसने बुद्धिज्म को अपनाया था, अशोक, अशोक का एडॉप्टेड बुद्धिज्म विद द इफेक्ट ऑफ उपगुप्त। उपगुप्त कौन थे, तो उपगुप्त कौन था बताओगे, एक बहुत मॉन्क थे। अब भी मेरे पीछे लिखते रहो, ठीक है, समझ में आया, ये क्या थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, समझ में आया, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? तो बुद्धिस्ट मॉन्क की बातों में आके अशोक ने क्या किया। अब देखो अशोक के टाइम पे आप सभी को पता होगा कौन सी काउंसिल हुई थी, बौद्ध काउंसिल हुई थी, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये बताओ, सेकंड नहीं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कोई मुझे बता सकता है कब हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, 252 BC में कब हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कब हुआ था ये बताओ, 252 BC कहाँ पे हुआ था, अच्छा मगध की राजधानी क्या थी, बताओ क्या था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुआ था, अशोक के ही टाइम हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अशोक राजा थे, उपगुप्त की बातों में आ गए, उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में स्टार्ट किया पाटलिपुत्र में। ठीक है, और आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस समय चेयरमैन कौन था, हाँ,
बताओ कौन था? मोगलीपुत्सा। किसी को याद है? किसी को याद है? मैंने पढ़ाया है सर, मोगलीपुत्सा। कौन था ये बताओ? चेयरमैन कौन था? चेयरमैन मोगलीपुत्सा। सब लोग मेरे साथ बोलना, जो मैं बोलूंगा प्लीज बोलना, आपको याद होगा। बोलो अशोक के, अशोक के 250 मोगली जैसे पतले पुत्र, 250 मोगली जैसे पुत्र, पतले पुत्र, पतले पुत्र मतलब पाटली पुत्र भी आ जाएगा, ठीक है। अशोक के 250 मोगली जैसे पतले पुत्र, ठीक है। अशोक ने कौन सा धर्म एडॉप्ट किया था? बुद्धिज्म। क्यों एडॉप्ट किया था जानते हो? जानते हो एक एक राजा का फायदा कलिंग युद्ध के बाद ही उठा लिया गया, कि एक राजा को बोला गया बैरी घोष मत करो, मतलब अपनी विजय घोष मत करो। बैरी घोष को बोला जाता है पाली लैंग्वेज में, बैरी घोष बोला जाता है। बैरी घोष का मतलब होता है विजय घोष मत बोलो, आप अधर्म घोष की बात करो, आप धर्म का प्रचार करो। तो अशोक को लगा हाँ मुझे यही करना चाहिए, तो अशोक ने बुद्धिज्म एडॉप्ट कर लिया उपगुप्त की बातों में आके, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हेल्ड हुई, जिसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्सा। कौन था चेयरमैन? कौन था? मोगलीपुत्सा। मोगलीपुत्सा। अच्छा आज सब लोग इतने शांत क्यों हो? आज सब लोग इतने शांत क्यों हो? आधे से ज्यादा तो फोन पे नहीं होंगे। हाँ अच्छा, अशोक का मतलब क्या होता है? बिना किसी दुख के, जिसको कभी शोक नहीं होता वो। क्या हुआ? जो कभी दुखी नहीं होता वो अशोक है सर। बताओ किसको पता है? जो कभी दुखी नहीं होता वो अशोक है। अच्छा, और जो आप इतना अच्छा बोल रहे हो तो आप कौन? आपका नाम क्या है? ठीक है, अशोक ने क्या किया? सेंट हिज सन एज वेल एज हिज डॉटर। अशोक के सन का नाम क्या था ये बताओ? कुणाल। अच्छा, अशोक सेंड हिज सन महेंद्र एज वेल एज हिज डॉटर, उसकी डॉटर का नाम क्या था? अशोक की डॉटर का नाम क्या था? संघमित्रा। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया था? सेंड हिज सन महेंद्र एज वेल एज हिज डॉटर संघमित्रा टू बौद्ध धर्म। कहां पे भेजा था बताओ? कहां पे भेजा था? श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था अशोक ने? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है, ठीक है। ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अशोक ने किसको भेजा था इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो महेंद्र को भेजा था, उसके बेटे महेंद्र को, और किसको भेजा था? संघमित्रा को। किसको भेजा था? संघमित्रा को। कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका में। किस लिए भेजा था? तो श्रीलंका में किस लिए भेजा था? बुद्ध धर्म का प्रचार, टू प्रमोट द बुद्धिज्म, मतलब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो ये फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या था। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अशोक क्या होता है? अशोक के बेटे का नाम क्या है? सनौ बिंदुसारा। ये अशोक बेटा है सन, किसका बेटा है? अशोक बिंदुसारा का। अशोक मींस होता है विदाउट सोरो, ही किल 99 ब्रदर्स देन बिकम किंग। अशोका इज ऑल्सो नोन एज देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, इज ऑल्सो नोन एज अशोकवर्धन, उसको उनको
अशोक वर्धन भी बोला जाता है पुराणों में। अशोका फाउट द कलिंग वॉर, अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा 261 BC में राजा खारवेल के खिलाफ। ठीक है, ये बात जो मेंशन है रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन है। आफ्टर कलिंग वॉर ही चेंज हिज पॉलिसी, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। बेरी घोष वॉज रिप्लेस बाय धम घोष, बेरी घोष था जो वो धम घोष हुआ। अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म, अशोक ने बुद्धिज्म एडॉप्ट किया विद द इफेक्ट ऑफ उपगुप्त, उपगुप्त की बातों में आके जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हेल्ड हुई पाटलिपुत्र में और इनके चेयरमैन का नाम था मोगलीपुता। अशोक सेंट हिज सन महेंद्र एज वेल एज हिज डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका टू प्रमोट बुद्धिज्म। बताओ ये सब लिख के हो गया आपका? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नहीं था। चलो एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से वन बाय वन। ठीक है चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ने आक्रमण कब किया इंडिया पे? अलेक्जेंडर ने आक्रमण कब किया? 323 BC। उनके बेटे का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप कौन था? किंग ऑफ मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण कब किया? बोलो कब किया, ईच एंड एवरीवन, प्लीज प्लीज सभी लोग बोलो कब किया। 326 BC में कौन सा बैटल लड़ा? बैटल ऑफ हाइडेस। बैटल ऑफ झेलम का उन्होंने फाइट लड़ा बिटवीन किसके साथ? पंजाब किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस द व्यास रिवर। अलेक्जेंडर की आर्मी ने क्या किया था? व्यास रिवर क्रॉस करने से मना कर दिया था। ठीक है, बिकॉज दे वर टायर्ड एंड अदर साइड नन द आर्मी स्टैंड। ठीक है, ही डाइड इन 323 BC। उसकी मौत कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? बेबीलोन। बेबीलोन एट प्रेजेंट कहाँ पे है? बेबीलोन इराक में। कहाँ पे है? इराक में। बेबीलोन इराक। His teacher's name क्या है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन थे? ग्रीक फिलोसफर। कौन थे? ग्रीक फिलोसफर। अच्छा, अरिस्टोटल का दूसरा नाम अरिस्टोटल और कौन थे? मैंने एक और बताया था, एक अलग से अरिस्टोटल जो जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर है। कौन है? जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर। ठीक है, आई बात समझ में। मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? मौर्य एम्पायर का ये बताइए, मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? तो मौर्य एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 322 BC to 185 BC। आई बात समझ में, 323 BC to 185 BC। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी थी। इट बिगिन 322 BC में हुआ था। फर्स्ट रूलर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। शादी किसके साथ हुई थी? हेलेना के साथ। हेलेना। और पाटलिपुत्र क्या थी उनकी? कैपिटल। क्या थी? कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी? मगध। मगध। मगध की कैपिटल क्या थी? ठीक है, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद। और धनानंद कौन था? लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी। मौर्यन लैंग्वेज क्या थी? ईच एंड एवरी वन प्लीज से लाउडली। मगधी और प्राकृति। ठीक है, तक्षशिला का क्या बोला जाता था? तक्षशिला को मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन। क्या बोला जाता था? मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन।
ये एग्रीकल्चर क्या था उनका मेन ऑक्यूपेशन, मौर्यन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। मेगास्थनीज कौन था, ग्रीक एम्बेसडर था। कौन था, ग्रीक एम्बेसडर, जो कहाँ पे विजिट किया था, इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम वो कहाँ पे विजिट किया था, इंडिया में। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, मेगास्थनीज, किसने लिखा था, मेगास्थनीज। इंडिका जो पुस्तक थी वो कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये बताइए, ग्रीक लैंग्वेज। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, किसका एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर इन 305 बीसी। सेल्यूकस निकेटर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अडॉप्ट किया था अपने अंतिम दिनों में, जैनिज्म। इसके इफेक्ट में आके, भद्रबाहु के इफेक्ट में आके, और उसने अपने अंतिम दिन कहाँ पे बिताए थे, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक। उनके टीचर का नाम क्या है, कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त। उन्होंने क्या लिखा था कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र, जो किससे रिलेट करता था, पॉलिटिकल। ठीक है, मैरिज किसके साथ हुई थी उनकी, हेलेना के साथ। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त के, बिंदुसार। ठीक है, इंडिका में मेंशन है, इंडिका में क्या मेंशन है, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू सेवन क्लास। मौर्यन की जो सोसाइटी थी वो कितने क्लास में डिवाइड हुई थी, ये बताइए, सेवन क्लास। सेवन क्लास मेंशन थी, इंडिका में मेंशन थी। ठीक है, बिंदुसार कौन थे, सेकेंड किंग ऑफ मौर्यन। सेकेंड किंग ऑफ मौर्य, ठीक है, मौर्यन के सेकेंड किंग थे। बिंदुसार को क्या बोला जाता था, अमित्रघात। क्या क्या बोला जाता था, अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता था, प्लीज टेल मी, प्लेयर ऑफ, प्लेयर ऑफ फोर्स या किलर ऑफ एनिमी, मतलब शत्रु का विनाशक। ठीक है, अशोका किसका बेटा था, बिंदुसारा। का मतलब क्या होता है, विदाउट सॉल्व। उसने अपने कितने भाइयों को मारा था, जल्दी बताइए, 99 भाइयों को मारा था। और अशोका को क्या बोला जाता है, देव नाम प्रिय, मतलब प्रियदर्शी। इज आल्सो नोन एज अशोकवर्धन, किसमें बोला जाता है, पुराण। अशोक ने कौन सा फाइट लड़ा, कौन सा फाइट लड़ा, कलिंगा। कब लड़ा, 261 बीसी। 261 बीसी किसके खिलाफ लड़ा, राजा कार्वेल। ये मेंशन किसमें है, रॉक एडिक्ट 13 में, किसमें मेंशन है, उसने क्या किया, उसकी पॉलिसी को चेंज किया। बेरी घोष को रिप्लेस किया, किसके साथ रिप्लेस किया, धम्मघोष। और अशोक ने क्या अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म। किसके बातों में आके, उपगुप्त की बातों में। उपगुप्त कौन था, बुद्धिस्ट मॉन्क। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 250 बीसी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र। और चेयरमैन का नाम क्या था, मोगलीपुत्र। शॉर्टकट क्या है, मोगलीपुत्र। नहीं, अशोक के 250 मोगली जैसे पतले पुत्र, क्या है शॉर्ट ट्रिक, अशोक के 250 मोगली जैसे पुत्र, पतले पुत्र। ठीक है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संगमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। श्रीलंका क्यों भेजा था, बुद्धिज्म, प्रमोट बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। किसने भेजा था, अशोक, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, बृहद्रथ। क्या है, बृहद्रथ। ठीक है, अब बृहद्रथ द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन। लास्ट किंग ऑफ मौर्यन कौन थे, बृहद्रथ। ठीक है, हेलो, मौर्य के लास्ट किंग कौन थे, बृहद्रथ। बृहद्रथ के लास्ट किंग कौन थे, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, ब्राह्मण कमांडर इन चीफ पीयूष मित्र। पीयूष मित्र ने किसकी हत्या की थी, बृहद्रथ की। पीयूष मित्र ने क्या फाउंडिंग किया था, सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बृहद्रथ थे। कौन थे, सॉरी, पीयूष मित्र थे। कौन थे,
पीयूष मित्र हु फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी. सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पीयूष मित्र. अच्छा, सुंग डायनेस्टी मतलब ये जो इसके बाद डायनेस्टी आया था, ये ब्राह्मण एक कमांडर इन चीफ थे उसी में, मौर्य डायनेस्टी में, मौर्यन के, जिन्होंने उसके बाद बृहदत्त को मार दिया क्योंकि बृहदत्त सबसे कमजोर राजा था. आई बात समझ में? तो उन्होंने क्या किया, उनको मार के और अपनी नई डायनेस्टी बना दिया, सुंग डायनेस्टी. ये ब्राह्मणों की डायनेस्टी थी. आई बात समझ में? तो उनको इन्होंने, ठीक है, अभी अभी कुछ एसएससी रेलवे और आपके बाकी एग्जाम के क्वेश्चन है जो सीडीएस एनडीए वगैरह सब एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. कैन आई आस्क? कैन आई आस्क? टेल मी व्हिच इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन इंडिया? मौर्यन, गुप्ता, कुषाण, सुंग. मौर्यन. मौर्य, वेरी गुड. एंड नेक्स्ट वन, व्हेन डिड द मौर्य एम्पायर बिगिन? 325 बीसी, 322 बीसी, 258 बीसी, 185 बीसी. 325. नहीं, 322 बीसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, अजात शत्रु. चंद्रगुप्त मौर्य. इतना डर के क्यों बोल रहे हो? किसी ने बम फोड़ने बोला है क्या? वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? पाटलिपुत्र, वैशाली, पाटलिपुत्र. वेरी गुड, एक्सलेंट, दैट्स ग्रेट. वॉट वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ मौर्यन पीरियड? पाली, संस्कृत, मगधी, प्राकृतिक. मगधी प्राकृतिक. वेरी गुड, एक्सलेंट. व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर? नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला, वैशाली. तक्षशिला. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज? एग्रीकल्चर. वेरी गुड. Next one, the Greek ambassador visited India during the period of Chandragupta Maurya, Alexander. Megasthenes. Very good. Bahut sahi. The book written by Megasthenes was a? Indica. Indica. Very good. Next one, Indica was a written in which language? English, Chinese, Arabic, Greek. Greek. Very good. Excellent. Megasthenes was the ambassador of? Alexander Darius Persian, Seleucus Nicator. Seleucus Nicator. Very good, Seleucus Nicator. That's great. Chandragupta Maurya was a ardent follower of Sikhism, Buddhism, Jainism. Jainism. Very good. Under whose influence Chandragupta Maurya embraced Jainism? Upagupta, Digambar, Mahavir, Bhadrabahu. Upagupta. No, it's wrong. I am asking about Chandragupta Maurya, not Ashoka. It's a confusion. It's a complicated. So you have to pay attention here. Chandragupta Maurya adopted Jainism and Ashoka adopted Buddhism. Both are the different. Are you getting it? I am telling about Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya adopted Jainism and he spent his last time where? Sravanbelgola. And what was the reason of adopted Buddhism? Ashok ne kyu Buddhism ko adopt kiya? Kyunki wo Kaling war se kya ho gaya tha? Parshan ho gaya. Ye baat samajh mein? Mudra Rakshas was written by? Mudra Rakshas kisne likha hai? Vishakhadatt ne. Kisne likha hai? Vishakhadatt. अच्छा, यहाँ पे ना मुद्रा राक्षस इसलिए इम्पोर्टेंट है, विशाखादत्त, ये पॉइंट मैंने नहीं बोला था ना, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम मैं देता हूँ. मुद्रा राक्षस जो है ना, ये इम्पोर्टेंट इसलिए, पहले ध्यान से सुनो. चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था और मौर्य राज्य की स्थापना की थी, ये बात मुद्रा राक्षस में लिखी गई है. बताओ क्या लिखा गया मुद्रा राक्षस में? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था और मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य एम्पायर की फाउंडिंग की थी, ये बात मुद्रा राक्षस में. मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखादत्त. विशाखादत्त जो है
इंडियन संस्कृत पोएट है, कौन है? इंडियन संस्कृत पोएट। हु रोट अर्थशास्त्र? हरिसेन, कालिदास, कौटिल्य? चाणक्य। कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त। द रूल ऑफ विच किंग इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर ऑफ अर्थशास्त्र? समुद्रगुप्त, अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य। हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चाणक्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य, वेरी गुड। हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? बिंदुसारा। अशोक, अशोक उसका पोता है भाई, बेटा बना रहा। ओ नो नो कर दे रहे हो तुम लोग। विच मौर्यन किंग होल्ड द टाइटल ऑफ अमित्र घात, किलर ऑफ एनिमी? बिंदुसारा। इट्स अ बिंबिसारा की बिंदुसारा? बिंदुसारा। वेरी गुड, काफी अच्छा बता रहे हो आप लोग। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्बास बुद्धिज्म वॉच? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, हु वॉज द सन ऑफ अशोका सेंट टू एब्रॉड टू स्प्रेड बुद्धिज्म? संगमित्रा, आनंद, हरिसेन, महेंद्रा? महेंद्र। आई एम टेलिंग अबाउट सन, नॉट अ डॉटर। सन महेंद्र। Whenever I am asking about, जब कभी मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि डॉटर कौन है, तो आप क्या बोलोगे? संगमित्रा। 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 बेटे का नाम क्या है? महेंद्र। ठीक है। When did Ashoka invade Kalinga War? 298 BC, 261 BC, 232 BC, 272 BC? 261 BC. 261 BC. Very good. Who was the last Nand ruler defeated by Chandragupta Maurya? Brihadat, Dhananand. Very good. Who was the last, which dynasty ruled over Magad after Maurya dynasty? सातवाहन, सुंग, नंद, कन्नव। सुंग डायनेस्टी आया ना बृहदत्त को मार के। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? बृहदत्त। वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको 2 आवर्स का करते हैं। सर, 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 थोड़ा सर, सा मुझे हेल्थ इश्यू था, तो थोड़ा सा मैं लेक्चर थोड़ा सा स्लो, आज थोड़ा सा स्लो था। नेक्स्ट टाइम एक एवरेज में लेक्चर लेके चलेंगे, और थोड़ा सा मेरी मतलब तबीयत नहीं सही थी इन दिनों, तो ठीक है, फिर उसके बाद 2 आवर्स का लेक्चर। सर, यस, व्हाट्स योर नेम? आनंद। कहाँ से? फ्रॉम? मैं मुंबई। अरे मुंबई में कौन से ब्रांच से? फोकस के थाने। हाँ मुझे भी पता है आप मुंबई से ही रहोगे जी। हाँ बोलो आनंद। सर एक डाउट था कि जब महेंद्र और संगमित्रा को भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उसने एक लिपि लगवाई थी, मतलब एक शिला लगवाई थी हर जगह, तो वो कौन सी लिपि में थी? कौन सा? जो प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो शिला लगवाई थी हर जगह, उसकी लिपि कौन सी थी, मतलब वो किस लैंग्वेज? ब्राह्मी और खरुष्टि। ब्राह्मी और खरुष्टि। हाँ। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी? एक्चुअली ये सही क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन था, ब्राह्मी एंड खरुष्टि। वेरी गुड। इट्स अ स्क्रिप्ट ना? इट्स अ स्क्रिप्ट। इट्स अ स्क्रिप्ट ना? लिपि मतलब। हाँ हाँ, स्क्रिप्ट। ओके। और हाँ, ब्राह्मी और खरुष्टि लिपि जो पहली बार पढ़ा था ना, उस बंदे का नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। हाँ, जेम्स प्रिंसेप जो था, उसने पहली बार अशोक की ब्राह्मी खरुष्टि लिपि पढ़ी थी। इज दिस क्लियर? समझा है? ओके, बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir.
बाय।